दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सूरज मंडोल आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, ये देखिए होलो पाइप आज बना के दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले सोना लेना है, और जितना सोना आपको लगता है एक पाइप के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। मतलब मान लीजिए आपको 10 ग्राम का पाइप बनाना है तो आपको कम से कम 13-14 ग्राम सोना लेना ज़रूरी है, क्योंकि पाइप जो है वापस थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है और वापस उसे काट के अलग करना पड़ता है, नहीं तो गोल नहीं होगा। कम से कम 2 इंच तो ज़्यादा रखना ही पड़ता है। तो जितना 2 इंच आप ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा सोना आपको रखना है, क्योंकि काट के निकल जाएगा। तो 10 ग्राम का पाइप में अगर 2-3 ग्राम आप ज़्यादा रखते हैं तो उतना लंबाई ज़्यादा भी रखना पड़ेगा। तो इस तरह से पास्टर करना है जितना चौड़ा लगेगा। देखिए, अगर 12 ग्राम का एक बांगड़ी एक पाइप कर रहे होलो पाइप, 2-6-7 माप है, 2-5 आना माप है, तो आप अगर 7.5 दाग चौड़ा करेंगे, 8 दाग से मतलब 1/2 इंच से थोड़ा सा छोटा चौड़ा करेंगे बारीक हल्का, जिसे मैं 7.5 आना करता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ तो बड़ा बड़ा होगा। पास्टर भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और जो है जब गोल गोल करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, दाग नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम अगर 12 ग्राम का है, 10 से 12 ग्राम का रहता है, तो आप 7.5 दाग चौड़ा कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, 8 दाग नहीं, 7.5 ही ठीक है। उसके बाद इसे एक सलाई लेना है, गोल करना है सही सलाई। अगर एक बार में गोल नहीं होता है तो उसके बाद 2 बार में गोल करना सही होगा। तो मैं एक बार तापा के लेता हूँ ताकि ठीक से नरम हो जाए, और सलाई और एक लूँगा मैं बारीक, और उससे मैं पूरा गोल कर लूँगा अभी। दोस्तों, माप कैसे करता हूँ मैं पाइप का, एक वीडियो अवेलेबल है, नहीं तो मैं वापस और एक वीडियो सोच रहा हूँ बनाऊँगा इसके ऊपर। और बांगड़ी का जो माप है ना, माप का भी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। ओवल बांगड़ी और फ्लावर बांगड़ी, दोनों बांगड़ी का अलग अलग माप में जो है बना के अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने केडियम अभी काट लिया, इस तरीके से सिंगल सिंगल काटता हूँ, और सुहागा अपने लगा रहा हूँ। अगर पाइप पहले आप एक बार एसिड कर लेंगे तो अच्छा होगा, केडियम अच्छे से चल जाएगा ऊपर। तो मैंने इसे एसिड नहीं किया था, तो केडियम तो चल रहा था लेकिन उतना फास्ट नहीं भाग रहा था, तो मुझे जो है थोड़ा चिमटी से भी इसे थोड़ा ठीक करना पड़ा। और आप देख लीजिए एक बार कि पाइप जो है पूरा एकदम गोल गोल रह जाए, ठीक है। तो जॉन सोल्डर करने के बाद इसे खींचना होगा। मेरे पास मशीन नहीं है, जो सॉलिड पाइप के जो खींचते हैं ना गोल करते हैं तार, तो उनके लिए मशीन ज़रूरी होता है। तो ये होलो पाइप है, मैं इस तरीके से खींचता हूँ। देखिए, ये पैड से भी हो सकता है लेकिन पैड से कभी कभी अटक जाता है, तो मैं इस तरीके से ग्रिल पर लगाता हूँ, लगा के इस तरीके से देखिए दोनों हाथ से खींचता हूँ तो आसान होता है बहुत ही, इससे जितना भी जारा हो जाता है। तो दोस्तों, रेती है जो बिल्डिंग में यूज करते हैं ना, रेती सीमेंट बाली, वही बाली है ये वाला, लेकिन बहुत बारीक है, ठीक है। तो ये मैं डालूंगा अंदर सॉलिड करके, पूरा एकदम अच्छे से डालना है अंदर अंदर, किधर भी गैप रहना नहीं चाहिए, फिर पाइप खराब हो सकता है। अच्छे से डालना है उसको, इस तरह से ठोक के पीट के पूरा एकदम सॉलिड बनाना है पाइप को। दोस्तों, कुछ कमेंट रहता है, कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इस तरीके से आखिर में जो है इसका मुंह बंद कर दूंगा, दबा दूंगा मुंह को। और मैंने हाथ से बनाया है, ये देखिए, इस हाफ राउंड बनाया है मैंने, एक बाटली में प्लास्टर डाल के जो है मैंने इसे बनाया है। तो ऐसा हाफ राउंड मैंने काट काट के बनाया, देखिए, और इसके ऊपर कपड़ा दे रहा हूँ ताकि पहले मैं आधा गोल करता हूँ। अगर इससे गोल करूँगा तो पाइप जो है चैप्टर नहीं होता, पूरा राउंड होता है, पूरा पाइप गोल रहता है राउंड करने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट धोखा में करने जाऊंगा ना रेती से, तो शायद पाइप थोड़ा चैप्टा हो सकता है, तो इसीलिए पहले मैं इससे करता हूँ, पूरा गोल रहता है, और ज़रूरत हो तो तपाता हूँ, नहीं तो नहीं तपाता हूँ, लेकिन तपाना अच्छा है। एक बार और एक बार तपा लेता हूँ, थोड़ा टाइम शायद जाएगा 2 मिनट तपाने के बाद, लास्ट फिनिशिंग जो है मैं एक धोखे में गोल करता हूँ। अभी गोल करेंगे तो पाइप पूरा गोल भी रहता है, चैप्टा नहीं होता है। पहले मैं जो करता था तो उसमें चैप्टर होता था, इसलिए मैं ये जो आइडिया बनाया खुद से ही। अभी ये टोपन है, वर्टिकल टोपन, जो कि 7.5 mm का है, 7.5 mm, 8 mm भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा बड़ा लगेगा। इसे सोल्डर कर लूँगा। केडियम ठीक से चल नहीं रहा था, मैंने केडियम पूरा लगा दिया दबा के भर के, बाद में घिस दूंगा, पूरा प्लेन हो जाएगा। अभी दोनों बॉल को आपस में ज्वाइन करना है।
ज्वाइन होने के बाद अभी पाइप को काटना पड़ेगा। मैंने जो है पहले रेती को निकाल लिया। रेती को निकालने के लिए जो अब मैंने मुंह दबाया था ना रेती डालने के बाद, वही मुंह को वापस खोल देना है और रेती निकाल लेना है। फिर देखिए ये पाइप का माप पहले से किया हुआ है, अभी सिर्फ जो जितना टोपन बैठेगा उतना काट के निकाल देना बस। घिस को अच्छे से संभाल के रखना है, लेना है अच्छे से, नहीं तो बाहर चला जाएगा, किधर गिरेगा और घट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से टाइट माप है, ठीक से बैठता है तो ठीक है, नहीं तो घिस के ठीक से मुंह को सही करना होगा टोपन को ठीक से बिठाने बिठाने के लिए। फिर से शोल्डर करना कर दूंगा, चाहे तो साइड से आप दो तार भी लगा सकते हैं कड़ी। तो देखिए इसके बाद ये ताश पुलिस हो जाएगा। ताश पुलिस का वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में दूसरा वीडियो देख सकते हैं। ये 12 ग्राम का है और इसका चौड़ा मैंने जो पास्टर किया था 7.5 आना किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और जो टोपोन है वो 7.5 mm का है। तो दोस्तों ये बन गया है, इसका माप है 2.6 आना और इस तरीके से बन चुका है। दोस्तों ये हाई पॉलिश है, इसमें ताश नहीं है। दोस्तों कुछ सवाल आपको रहता है तो कुछ ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ या फैमिली ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों आपके साथ वापस मिलूंगा एक और नया वीडियो में।